नंबर पे जा रहे हैं बाबा नंबर वन पे पूरे प्रदेश में तीन सौ के ऊपर सीट मारेंगे बाबा जी आपन संबंध करो हिंदू के हिंदू हिंदू को दुश्मन है एक नंबर का अखिलेश क्या उनका फायदा होगा अरे सापा वालों के भी लात मारेगा बहुत गंदा आदमी है महोदय गाँव में आगे बढ़ते हुए हम लोग एक चौपाल पे आ पहुँचे हैं जहाँ पे कई बुजुर्ग और कई जवान भी बैठे हुए हैं माता जी भी बैठी हुई हैं इनसे बात करते हैं और जानते हैं आखिर इस गांव में क्या राय है जनता की क्या आगामी विधानसभा चुनाव में यमुना पार से आए केजरीवाल की किस्मत चमकेगी या बाबा का कमल खिलेगा या फिर सपा की साइकिल दौड़ेगी दो दो सर सबसे पहले आपसे बात करना है क्या नाम आपका ब्रजभूषण द्विवेदी ब्रजभूषण द्विवेदी जी आपको क्या लगता है इस बार 2022 के आगामी चुनाव में क्या बाबा का कमल खिलेगा या सपा की साइकिल अपना बाबा जी आ रहे हैं बाबा जी आ रहे हैं गा लेकिन गांव में हमने कई किसानों से बात की किसानों का कहना है कि कहीं ना कहीं बाबा की डबल इंजन सरकार फेल है योजनाएं नहीं मिल रही है आपका क्या कहना नंबर वन पे जा रहे हैं बाबा नंबर वन पे पूरे प्रदेश में तीन सौ के ऊपर सीट मानेंगे बाबा जी स्वामी प्रसाद मौर्य को जान रहे हैं जानते अच्छी तरह स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी भाजपा का दामन छोड़ के सपा का दामन संभाल लिया है ऐसे में कई अटकले खड़ी हो रही हैं कि भाजपा के लिए खासा मुसीबत का, का कारण बनेगा आपका क्या कहना हैं विधायक के में कोई वो है नहीं वो जानता कौन किसके दल बदलू आज इनके हम कल मायावती पास कल उनके पास पर उनके पास वो छोड़ा सीट अपने मतलब क्यों वो खाली अपनी राजनीति चाहते अपना अब उनको चाहिए सीट नहीं मिली साल से मलाई खा रहे हो आप आप तुम गोटा तुमको नया नया कैंडिडेट लाया जाए तुमको क्यों तकलीफ हो रही आप दूसरी जगह पहुँच गये नहीं आपको टिकट चाहिए नहीं मिल मिला आपको बच्चे को टिकट चाहिए नहीं मिल रहा तो आप जब से हम लोग तकलीफ तो है बात की अपना रहने वाले हैं राहुल गांधी ने अभी हाल ही में कहा था मैं हिंदू हूँ हाँ। लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि राहुल गांधी सही कह कहें वो हिंदू हैं वो तो मुसलमान हैं फिरोज गांधी उनके बाप है वो हिंदू कहाँ से हो जाते हैं अखिलेश यादव ने भी अखिलेश यादव ने भी एक बयान दिया था कि अखिलेश यादव के सपने में श्री कृष्ण आए थे मथुरा से उन, उनको चुनाव लड़ने के लिए कहा है तो इसमें आपका क्या कहना है कि कल को अयोध्या पे कार सेवकों पे गोली चलाने वाले व्यक्ति के सपने में मथुरा के श्री कृष्ण आ रहे हैं मथुरा मंदिर बनवा दी मथुरा मंदिर बनवा दूंगी वो तो कही रहे हैं कि मथुरा में हमारी वो आएगी सरकार आएगी तो हम मंदिर तो बहुत कुछ कहते हैं वो तो चौबीस चौरासी चो, चो, को इसी परिक्रमा बंद करवा दें घंटा बंद करवा दें बाजा बंद करवा दें और उनके मुसलमान के जुलूस निकरावर रहें रहे अपन संबंध करवाए हिंदू हिंदू का दुश्मन है एक नंबर का अखिलेश दादा आपका क्या कहना है आपका क्या नाम शिषपाल सिंह शिषपाल सिंह सर आप क्या चाहते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बननी चाहिए सरकार तो बीजेपी की तो बनेगी ही किसी भी रूप से बने बन तो जाएगी सरकार किसी भी रूप से बने लेकिन बनेगी बीजेपी की जैसा कि आपने दादा का सुना दादा आप बता सकते हैं कि बीजेपी की योजनाओं का फायदा मिल रहा है आप यही तो एक फायदा है कि इतनी योजनाएं बीजेपी की हैं जिससे पब्लिक को इतना फायदा है खासकर गरीब वर्ग को बहुत फायदा है बताइए नमक तक फ्री चल रहा है और चला क्या लोगे क्या लोगे और क्या दे पाएगी भाई अब जानवरों के लिए क्या क्या रास्ता बनवा दिया है अब उसकी देख रेख कर रहे हैं देख रेख करने वालों से गलतियाँ हो रही हैं तो उसके लिए बाबा क्या कर रहे बाबा क्या कर सकता है बताइए वो पैसा खर्च करते हैं दौड़ते हैं कहते हैं सुनते हैं तो ये तो पब्लिक की गलती है भाई ये किसान की गलती है जो पाल करके जानवर खेत दिया दूध दूध लिया खेत दिया बताओ ये इसको कौन जिम्मेदार करे इसके ऊपर अगर सख्ती सरकार करती है तो कहते हैं हमारे ऊपर सख्ती कर रहे हैं ये गवर्नमेंट की ये सब दलाली है और दल बदलू जो है ये दल बदलू केवल अपने फायदे के लिए दल बदलू कर रहे हैं और को इसमें कोई झक नहीं ना काम करने की क्षमता है न देखने की क्षमता है बस इतना है कि हाउू ला रहे हैं गुंडागर्दी करना है और क्या करना है कुछ कहीं ना कहीं जनता बीजेपी को ही सपोर्ट कर रही है और इनका कहना यही है सबका एक रुख एक राग है कि 2022 में सबका साथ सबका विकास आएगी योगी सरकार ही तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और भी जनता है और भी लोग हैं उनका भी राय जानेंगे उनसे भी जानेंगे यहाँ हमारे साथ एक और सज्जन पुरुष मौजूद हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या इनकी राय है क्या मोदी आएंगे या फिर सपा के साइकिल ट्रैक पे दौड़ना शुरू करेगी सर आप मनोज सिंह मनोज सिंह जी आपका क्या कहना होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या कमल खिलेगा या साइकिल दौड़े अब हमारे अपने क्षेत्र का जो सिस्टम है हम पूरे क्षेत्र का तो नहीं बता पाएंगे लेकिन हमारे यहाँ अपने यहाँ जो भाजपा का ही जोर है भाजपा का ही जोर है कहीं ना कहीं योजनाओं का फायदा मिल रहा कही कही है कहीं ना कहीं नहीं जो योजनाएं हैं उनका पूरा फायदा पब्लिक उठा रही है लेकिन अब बात आ रही कि बहुत ऐसे हैं कि जो खाते यहाँ की हैं बातें कहीं अलग की हैं तो जैसा कि अभी योगी आदित्यनाथ ने एक ऐलान किया है कि दोबारा सत्ता में आने के बाद किसानों को 50 प्रतिशत बिजली फ्री मिलेंगे वहीं अखिलेश यादव ने भी एक बड़ा ऐलान किया है कि जैसे ही उनकी सत्ता आएगी वैसे ही वो किसानों को 300 यूनिट लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो इसमें आपका क्या कहना है कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी क्या उसके लिए सरकार बनेगी सपा अगर वो 300 यूनिट दे रहे हैं कह रहे हैं देने के लिए तो कहाँ से देंगे हमारा ही तो गला काट करके देंगे जनता का ही तो गला घोटेंगे एक तरफ से घोटेंगे दूसरी तरफ से उसको जो है बेनिफिट देंगे तो वो बेनिफिट का, का जो सरकार चल रही थी पाँच साल पूर्व से और अभी है यही सरकार आएगी और यही कल्याण करेगी जनता का और कुछ सब कहने की बात नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ दिया उनके साथ और भी कई दिग्गज नेताओं ने बीजेपी छोड़ दिया दारा सिंह चौहान ने भी बीजेपी छोड़ा तो ऐसे में कई अटकले खड़ी हो रही हैं कि कहीं ना कहीं इनका बीजेपी से दल बदलना बीजेपी के लिए खासा परेशानी का सबब बनेगा तो आपका क्या कहना बीजेपी कोई असर पड़ेगा कोई कोई असर नहीं ये भगोड़े हैं इनको जहाँ खाने पीने को मिलेगा खाएंगे पियेंगे उसके बाद बस बस थाली पे लात मार के निकल लेंगे ये उस टाइप के नेता हैं इनका कोई अस्तित्व नहीं ना इनका कोई वजूद है ना कोई इनका जमीर है अगर ये इतने वो होते तो काहे के लिए भाजपा छोड़ जाते भाजपा का जो लेकिन हाँ ये कहेंगे ये जो शीर्ष नेता भाजपा की जो ऊपर बैठे हैं जो निर्णय लेते हैं इनको भी सोचना चाहिए कि ये दल बदल वाला सिस्टम अगर कोई बाहर से उसको ले ही ना खुद कार्यकर्ताओं का शोषण करें और दूसरों को जो उठा करके बैठा नेता ये पॉलिसी बहुत गलत है इस पर थोड़ा इनको हाई स्तर कमान को जो सोचना चाहिए जैसा सर सरकार आपने बात सुनी कि कहीं ना कहीं दल बदलने वाले नेताओं को भाजपा में जगह नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि भाजपा खुद उनको जगह दे अपने लिए गड्ढा खोद देती है तो ऐसे में भाजपा को लोगों की जनता की यही मांग है भाजपा दल बदलने वाले दल बदलू नेताओं को स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को अपने पार्टी में बिल्कुल जगह ना दे और जो पहले से ही इनके पार्टी में कार्य कर रहे हैं मन और जोर लगा के उनको जगह दिया जाए आइए आगे और भी जनता होगी उनसे भी राय पूछा जाएगा सापा में मौरिया जी चले गए हैं तो क्या उनका फायदा होगा अरे सापा वालों के भी हिला मारेगा बहुत गंदा आदमी है मौर्या सापा वालों को भी धोखा देगा ये सोचें सोचे जिस तरह का अब तीन दिन इलेक्शन के रह गए तब सरकार अभी तो तक क्यों नहीं छोड़ा सरकार जब उनकी मंत्री पांच साल पूरे मलाई खाया और अब जब देखा कि लड़के को टिकट नहीं मिलना है तो अपना कूद करके चले गए सपा में ये तो ये तो सब है ये। मौका फरोस्त वाले हैं है ना मिलने वो गए बाहर जी, थाली में खाएंगे उसी थाली में छेद करेंगे ये वो है यहाँ भाजपा में रह क्या किया लात मार के उधर जब साफ कांग्रेस भाजपा में भाजपा को लात इसमें जा रहे हैं तो इसमें और ये भी पांच साल जहाँ इलेक्शन टाइम पे देख लीजिए फिर भग जाएंगे इधर उधर क्योंकि इनको तो केवल रकम चाहिए पद चाहिए हाँ इनके पास क्या कोई नहीं क्या किया इन्होंने चार साल रहा पांच साल रहे कब भाजपा में इन्होंने कुछ करके दिखाया है अपने क्षेत्र में जिस क्षेत्र को सही थी क्या किया इन्होंने जैसा न आप जैसा आपने यहाँ की जनता का राय सुना कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य दल बदलू नेता थे तो जनता को भी कहीं ना कहीं जनता ही हर पार्टी को वोट देती है हर नेता को वोट देती है तो किसी भी पार्टी या किसी भी नेता को दल बदलने से पहले यह जरूर सोचना चाहिए कि जनता है ये सब जानती है